बिहार में डिप्टी कमिश्नर ने रिश्तों को कर दिया तार तार, हो गए सस्पेंड। संस्कार और संस्कृति को भूल चाचा ने खास भतीजी से रचाई शादी। राजनीति से लेकर लव मैरिज तक बिहार के चाचा हो रहे हैं वायरल। बेशर्म चाचा नगर निगम ऑफिस से चोरी छुपे मिलने जाते थे और फिर गिरी गाज। कहते हैं जिस परिवार में मर्यादा न सिखाई जाए, जिस परिवार में संस्कार और संस्कृति न सिखाई जाए, तो परिवार निश्चित ही विनाश की कगार पर आ जाता है। यानी परिवार में बड़े होकर लड़के हों या लड़की, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपने परिवार को जीते जी पानी दे देते हैं। ये हकीकत उस बिहार के बेगूसराय की है, जिसे सुनकर आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और सोचने पर मजबूर होंगे कि कौन सा रिश्ता पवित्र बचा है। जो कभी फिल्मों या सीरियलों में देखा करते थे, वो आज हकीकत में हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते युवा, माँ बाप भाई बहन का रिश्ता भूलते युवा आखिर जा किस ओर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बिहार के डिप्टी कमिश्नर ने 14 अगस्त 2024 को बेगूसराय में अपनी शादी की और शादी के दूसरे दिन ही चर्चा में आ गए और फिर सरकार की गाज गिरी तो नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति ने अपनी भतीजी सजल उसके साथ लव मैरिज करने के कारण चर्चाओं में आए थे। दोनों ने शादी से पहले वीडियो वायरल कर दिया था कि दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद लड़की के घर वालों की तरफ से अपहरण का आरोप लगाकर प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी। इसके बाद दोनों की ओर से एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसमें पति पत्नी ने घर वालों को समझाने की कोशिश की। इसके साथ ही प्रशासन को भी बताया कि उन्होंने शादी कर ली है, वो भी अपनी मर्जी से, और अपहरण जैसा कोई मामला नहीं है। सरल ने बताया कि उनके बीच प्रेम संबंध है, 10 साल से चाचा से मिल रही थी। उसने कहा कि मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारे रिश्ते को स्वीकार किया जाए, हमें बहुत सी होगी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और एक विशेष बात यह है कि स्वयं प्रेम किया है तो उनको ये विशेष तौर पर समझना चाहिए कि प्रेम किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है और व्यक्तिगत निर्णय में दखल नहीं देनी चाहिए। वैशाली प्रशासन से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई है और हमारा अपहरण का केस दर्ज कराया गया है, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर वैशाली प्रशासन को बस यही सूचित करना है कि हम लोग प्रेम विवाह किया है, यहाँ कोई अपहरण और अनैतिक कार्य कोई मुद्दा ही नहीं है, और उनसे बस यही सहयोग है कि हम लोगों को सहयोग करें, हम लोग के जीवन और जान उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा मुहैया कराएं, पुलिस मुहैया कराए, ताकि हम लोग कोर्ट की पेशी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वैशाली पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि अपहरण की और FIR दर्ज कराई गई है वो पूरी तरह से झूठ है। हम लोगों ने शादी कर ली है। सजल सिंधु ने इसको लेकर जहां मानवाधिकार आयोग और बार काउंसिलिंग चीफ जस्टिस को मेल किया है, तो वहीं शिव शक्ति ने अपनी जान को खतरा बताया है, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। दोनों अभी खुलेआम सबके सामने नहीं आ रहे, न तो शिव शक्ति बेगूसराय नगर निगम कार्यालय पहुंचे और न ही दोनों घर वापस आए हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने नगर निगम एवं विकास विभाग की ओर से शिव शक्ति को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्य कटिहार नगर निगम कार्यालय रखा गया है। सरकार की ओर से जारी निलंबन आदेश पर कहा गया है कि बेगूसराय नगर निगम जांच समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उपनगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऑफिस से लगातार गायब रहना, कार्यालय में वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल और अशोभनीय है। बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली के अनुसार 31 का उल्लंघन है। वो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित और फरार चल रहे हैं, इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन देखिए पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाने वाली सजल और अपने परिवार से क्या उम्मीद ले बैठी है। सोचिए परिवार में माँ का क्या होगा, सोचिए भाई का क्या होगा, सोचिए जिस बेटी को परिवार से उम्मीद थी उस बेटी के पिता की मरती आत्मा को देख रही होगी। कहते भी हैं जो घर से गया वो जग से गया, लेकिन खबर एक्सपर्ट इन सभी युवाओं को संस्कार और संस्कृति सीखने की सलाह देता है। अगर आप इन दोनों को अच्छे ढंग से सीख जाते हो तो हर जगह जीत हो सकती है।
आपसे विशेष आग्रह है कि वो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार्यता दे, हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और एक और विशेष बात कि उन्होंने स्वयं प्रेम किया है, तो उनको यह विशेष तौर पर समझना चाहिए कि प्रेम किसी का, प्रेम करना किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है और व्यक्तिगत निर्णय में दखल नहीं देना चाहिए। अब वैशाली प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और हमारा अपहरण का जो केस दर्ज हुआ है उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर वैशाली प्रशासन को बस यही सूचित करना है कि हम लोग प्रेम विवाह किए हैं, यहाँ कोई अपहरण और अनैतिक कार्यों का कोई मुद्दा नहीं है, और उनसे बस यही सहयोग चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें, हम लोग के जीवन और जान की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा मुहैया कराए, पुलिस मुहैया कराए, ताकि हम लोग कोर्ट के पीसी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।